हेलो एवरीवन, कर्नल रॉयल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं शिवा मिश्रा आज आपके सामने मैथ सीरीज का एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पहले से ही बहुत फैमिलियर हैं इस टॉपिक से। लेकिन एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, ये टॉपिक आपसे एकदम अलग है। इस टॉपिक का नाम है स्ट्रेट लाइन। ये कहता है कि एकदम सीधी रेखा है, पर आप नहीं हैं एकदम सीधे, आप एकदम टेढ़ा चलना पसंद करते हैं। तो ये चैप्टर हो सकता है कि आपसे एकदम विपरीत हो, लेकिन ये है चैप्टर बहुत आसान और बहुत मज़ेदार। आइए इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं और समझेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे NDA एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जो भी चैप्टर शुरू करते हैं तो एक क्वेश्चन होता है कि चैप्टर का नाम स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? तो एकदम बेसिक सी बात है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है कोई भी बता देगा, सर कहीं भी खींच दीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, एकदम सही बात है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इसको शब्दों में बताओ, अब शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। सीधी रेखा, बस इसके अलावा कुछ और बता पा रहे हो? कुछ नहीं बता पा रहे। तो इसको शब्दों में डिफाइन करेंगे कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है। तो स्ट्रेट लाइन देखिए, एक डेफिनेशन लिखी हुई है सामने, इसका दूर दूर तक कोई लेना देना है नहीं, पर पढ़ाया फिर भी जाएगा। देखते हैं क्या है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को डिफाइन किया गया है कि इट इज डिफाइंड एज अ कर्व। एक कर्व है विच इज सच दैट द सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज कम्प्लीटली ऑन इट। मतलब क्या है? अरे सर इतनी लंबी चौड़ी भाषा में लिख दिए आप, एक सीधी रेखा ही तो है, क्या जरूरत है डिफाइन करने की, है ना? तो देखो क्या कह रहा है, समझो थोड़ा सा। देखो समझना ये है, स्ट्रेट लाइन एक कर्व है, सारे कर्व है, सर्कल भी कर्व है, स्ट्रेट लाइन, स्क्वायर, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, जो है सब एक कर्व ही, ठीक है? तो एक कर्व है जिस पर कोई भी दो पॉइंट ले लो, इस पर कोई भी दो पॉइंट ले लो, मान लो ए और बी दो पॉइंट है, तो इस पॉइंट का ये जो सेगमेंट है, ये ए बी जो सेगमेंट है, ये पूरा का पूरा इसी पे लाई कर जाएगा। सही बात है कि नहीं? एकदम सही बात है। कोई भी सेगमेंट ए बी ले लो, इसी स्ट्रेट लाइन पर तो लाई कर रहा है ना। तो वही डेफिनेशन लिखिए कि एक कर्व ऐसा हो जिस पर कोई भी एक सेगमेंट ले ले ए बी, वो पूरा पूरा उसी पर लाई कर जाए। देखो, इट इज डिफाइंड एज अ कर्व विच इज सच दैट द सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज कम्प्लीटली ऑन इट। एकदम वही बात लिखी है, बस थोड़ा सा चेंज करके मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको लिख दिया गया है ना, मैथ की भाषा, और मैथ की भाषा सबसे शुद्ध भाषा है ना। तो मैथ की भाषा में लिखा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। अब स्ट्रेट लाइन ठीक है, ज़्यादा मतलब नहीं है, मेन चीज़ क्या है। अब स्ट्रेट लाइन में आते हैं, अगला चीज़ जो है स्लोप। अब यहीं से सारा खेल शुरू होता है कि स्लोप क्या है, ढाल। अब स्लोप क्या है ज़रा देखते हैं। तो फिर से मैं आप लोग को बेसिक्स पे ले जाऊँगा, उस जगह पर ले जाऊँगा जहाँ से शुरू किया था मैंने कोऑर्डिनेट पढ़ाना। एक एक्सिस हुआ करती थी हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस एक्सिस के सिस्टम को कहते थे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते थे, जहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती थी। तो यहाँ पर इसी एक्सिस के माध्यम से हम स्ट्रेट लाइन की स्लोप डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो स्लोप क्या है, एक हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं कि इट इज ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट, पॉज करो, ऑफ एंगल विच लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ध्यान देना, एक्स एक्सिस ये है, एक कोई भी लाइन ले लो, हम कोई भी लाइन ले लेते हैं, मान लो एक ये लाइन है, ठीक है, एक कोई लाइन है एल लाइन, ठीक है। तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो भी एंगल बनाएगी, यहाँ पर एक एंगल बनेगा थीटा, हम कह रहे हैं थीटा एंगल बन रहा है, अल्फा ले सकते हैं, कुछ भी एक एंगल ले लिए, जो भी एंगल लेगा इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट, मतलब इसका टेन थीटा ले लो, जो भी एंगल एक लाइन बनाए एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से उसका टेन ले लो, यही होती है स्लोप ऑफ द लाइन। इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं,
ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन, तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से बनेगी, जो भी एंगल बनाएगा थीटा, उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ले लो टेन थीटा, वही क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। सर बहुत आसान बात है ये, तो थीटा पता हो जाएगा, स्लोप निकाल लेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो डेफिनेशन भी वही है, कुछ अलग नहीं, इट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ एंगल विच लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एकदम सिंपल सी बात, ठीक है। अब जरा ध्यान दो कि अगर एंगल पता है तब तो एकदम आसान बात होगी कि m बराबर tan थीटा जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन हो जाएगी। दूसरी बात, मान लो इसी लाइन पर हमको कोई दो पॉइंट दे दें, मान लो ये है एक्स वन वाई वन और एक और पॉइंट हो कोई एक्स टू वाई टू, एंगल हमें गिवन ना हो, एंगल गिवन ना हो, सिर्फ दो पॉइंट हैं जो इस लाइन पर कहीं लाई कर रहे हैं, तो भी हम क्या लिख सकते हैं, इसका स्लोप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं जरा देखो, इसको इसको ज्वाइन कर दो, अगर ध्यान दो अगर, तो देखो ये लाइन जो भी एंगल बना रही है, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। अगर इस ट्रेंगल की बात की जाए, मान लो ये पॉइंट हम दे देते हैं एम एन ओ, ठीक है, तो एम एन ओ ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, तो यहां से टेन थीटा कितना होगा जरा बताओ, ओ एम अपॉन सॉरी ओ एन अपॉन ओ एम, यही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यही होता है टेन थीटा। तो अच्छा ये डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस आपको पता है कितना, वाई टू माइनस वाई वन, और ये डिस्टेंस क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन। तो सिंपली हम लिख सकते हैं यहां से टेन थीटा कितना हो गया, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये क्या है, टेन थीटा हो गया। तो मतलब अगर हमें टेंजेंट निकालना है, थीटा गिवन है, टेन थीटा निकाल लो ये भी स्लोप होती है, या फिर दो पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप हम लिखेंगे वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये जो है ये स्लोप है किसी भी लाइन की। बात समझ में आ गई, स्लोप क्या होती, कोई भी दो पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है, लाइन के बीच में, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिख देंगे, वो क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ द लाइन हो जाएगी, या फिर आपको थीटा गिवन हो तो tan थीटा भी स्लोप होती है लाइन की, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन करिए, जरा इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं स्लोप पर, चलिए। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन हूज स्लोप इज माइनस वन अपॉन रूट थ्री, दिख रहा है सबको, है ना, माइनस वन अपॉन रूट थ्री क्या है, स्लोप गिवन, मतलब हमारे पास क्या गिवन है, m बराबर माइनस वन अपॉन रूट थ्री, हमें क्या निकालना है, इंक्लिनेशन निकालना है, इंक्लिनेशन का मतलब हमको क्या निकालना है, थीटा निकालना, थीटा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो हमें पता है tan थीटा कितना गिवन है, माइनस वन अपॉन रूट थ्री, सही बात है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल है यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री इतनी तो आती होगी, नाइन टेंथ में पढ़े होंगे कि tan की कौन सी वैल्यू 1 बाई रूट थ्री होती है, तो हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री जो होता है, ये क्या होता है, tan 30 डिग्री होता है 1 बाई रूट थ्री, तो इसको tan थीटा बराबर माइनस टाइम्स ऑफ दिस लिख सकते हैं। और हमको ये भी पता है कि tan ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा होता है, tan पाई माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ tan थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ पाई मतलब 180 माइनस 30 डिग्री, ये क्या हो गया, माइनस टेन 30 हो गया। तो यहां से अगर कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 डिग्री, है ना। तो ये देखो ये लाइन क्या कर रही है, एक्स एक्सिस के साथ 150 डिग्री का एंगल बना रही है। देखो मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, 150 डिग्री का एंगल, 150 डिग्री का एंगल कैसे हुआ, मान लो कोई लाइन है ऐसे कहीं से भी, तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना एंगल बन रहा है, 150 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एंगल बना रही है लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ये है इसका इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, और इसकी स्लोप कितनी है, माइनस वन अपॉन रूट थ्री, एकदम आसान बात होगी। चलो एक लाइन थी उसका स्लोप निकाल लिए, ठीक है, गुड। अगर दो लाइन है, दोनों का स्लोप आपको पता है, तो मान लीजिए दो लाइन है हमारे पास, अगला टॉपिक यहीं से थोड़ा शुरू होता है कि मान लीजिए हमारे पास दो लाइन है, ठीक है, देखते हैं कैसे, दो लाइन है, L1 लाइन है और L2 लाइन, L1 लाइन की जो स्लोप है वो क्या है,
एम वन है और एल टू लाइन की जो स्लोप है वो क्या है एम टू। ठीक, थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। ये लाइन एल वन है, ये लाइन क्या है एल टू, इसकी स्लोप क्या है एम वन है, इसकी स्लोप क्या है एम टू। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अगर मान लो दो लाइन आपस में क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उसके बीच में एक एंगल बनेगा, बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये एंगल निकालना है हमको, है ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो अगला अगर टॉपिक लिखना हो एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा। मान लो पहली लाइन L1 है जिसकी स्लोप M1 है, दूसरी लाइन M2 है दूसरी लाइन L2 है जिसकी स्लोप क्या है M2 है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। तो एंगल के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है tan theta is equals to plus minus mod of M1 minus M2 upon 1 plus M1 M2, है ना, दो लाइंस के बीच का एंगल M1, और अगर M1 स्लोप है लाइन 1 की, M2 स्लोप है लाइन 2 की, तो दोनों लाइंस के बीच का एंगल जो होगा वो इस तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई लाइन है, एक लाइन है L1 जिसकी स्लोप है M1 is equals to 1 upon root 3, ठीक है, और दूसरी लाइन है L2 जिसकी स्लोप है M2 is equals to root 3, बात समझ पा रहे हैं। तो इन दोनों लाइन के बीच का स्लोप क्या होगा ये निकालना है अगर हमें, तो हमारे पास फॉर्मूला है, देखो स्लोप गिवन है, M1 M2 गिवन है हमारे पास, मतलब M1 M2 गिवन है। आप देखो हमें निकालना है tan theta is equals to, देखो mod of M1 minus M2, मतलब 1 upon root 3 minus root 3 upon 1 plus 1 upon root 3 into root 3, ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस यहाँ क्यों लगा रहे हैं, देखो दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो दो एंगल आएगा, एक एक्यूट एंगल आएगा और एक इधर वाला ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, ठीक है, दो एंगल आएंगे दोनों लाइन के बीच में, तो इसीलिए हम प्लस माइनस का साइन यहाँ पर लगा है। बात समझ में आई, मतलब एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ दो एंगल्स आएंगे, हमको एक्यूट एंगल ज़्यादा लिखना रहता है हर जगह, तो हम प्लस साइन लेकर ही चलेंगे अधिकतर। तो मान लो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 अपॉन रूट 3 होल अपॉन, अगर सॉल्व करेंगे इसको तो 1 2 हो जाएगा, ठीक है, मॉड के अंदर यही हो जाएगा। तो इसको जरा सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2 अपॉन 2 रूट 3 मॉड के अंदर, इसका मतलब कितना हो गया 1 अपॉन रूट 3, ठीक है, 1 अपॉन रूट 3 हो गया क्या tan थीटा, tan थीटा 1 अपॉन रूट 3 आ गया, इसका मतलब एंगल कितना हो गया, अभी ये रूट 3 कितना है 1 अपॉन रूट 3, tan थीटा 1 अपॉन रूट 3 के बराबर हो गया, इसका मतलब थीटा कितना है 30 डिग्री, तो दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना आ गया 30 डिग्री, बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। सिर्फ 30 डिग्री नहीं आएगा, एक और आएगा 150 डिग्री भी आएगा, क्योंकि देखो एक एक एक्यूट आएगा तो एक दूसरा क्या आएगा ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, तो इसलिए दो एंगल आएंगे इसके बीच में हमेशा। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, हो गया कि एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, उसकी स्लोप क्या होती है, और दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब जरा पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इक्वेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब कुछ जो भी काम करते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करेंगे, तो जो भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये क्या होगी, देखो एक जनरल इक्वेशन होती है, इसको तो हमेशा याद ही रख लेना, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन जो भी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इसी फॉर्मेट में होगी, ठीक है, जहाँ पर वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, ए बी और सी क्या है कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, ए बी सी क्या है कॉन्स्टेंट्स है, ये जनरल होती है। अब देखो अब अलग अलग टाइप से हम पढ़ेंगे कि जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले जो बात है कि जो भी हम एक्सिस लेकर चल रहे थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, है ना, तो यहाँ पर अब बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी।
तो देखो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो इसको इसकी इक्वेशन हो गई वाई बराबर जीरो, ये है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो एक्स बराबर जीरो जो है इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस हो गई। बात समझ में आ गई। अच्छा, सब लोग क्लास फिफ्थ सिक्स में पैरेलल लाइंस पढ़ते आ रहे हैं कि दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। जैसे ट्रेन की पटरियां आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो सबको पता है। तो मान लो कोई लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो देखो ये लाइन है, ऊपर भी बन सकती थी नीचे भी बन सकती थी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल का मतलब है कि हमेशा ये डिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी इसके बीच की डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है। तो अब देखो इस लाइन की इक्वेशन, मान लो ये लाइन हमारी एल है, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन लिखनी हो हमें जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो अगली बात है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो कि क्या हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल। बात समझ रहे हैं। तो अगर मान लो एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो देखो मान लो इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, बी है। क्या डिस्टेंस है, बी डिस्टेंस है, हमेशा बी डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा जरा बताओ, ये पॉइंट जीरो कॉमा बी होगा। वाई एक्सिस पर ये पॉइंट है जीरो कॉमा बी है। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वाई इज इक्वल्स टू बी, क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल्स टू बी, y इक्वल्स टू बी। अब देखो b कुछ भी हो सकता है, b 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, माइनस 1 हो सकता है। तो b कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं y इज इक्वल्स टू माइनस 3 लाइन, ये एक लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू माइनस 3। तो y इक्वल्स टू माइनस 3 कहाँ बनेगा, माइनस 3 डिस्टेंस नीचे बनेगा। देखो ये जो लाइन है, मान लो ये पॉइंट क्या है, 0 कॉमा माइनस 3 पॉइंट, ठीक है। तो ये जो लाइन है y इज इक्वल्स टू माइनस 3 लाइन जो है ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल। बात समझ पा रहे हैं। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस 3 होगी, सबको पता है ना, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, एकदम क्लियर बात है। इसी तरीके से अगर हमें लिखना हो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अब एकदम जैसे यहाँ करेंगे वैसे ही सेम। देखो यहाँ पे y बराबर जीरो था x एक्सिस की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y बराबर b था, तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या है, x बराबर जीरो है। इसी तरीके से हम इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस जो लिखेंगे, x बराबर a लाइन लिखेंगे, x बराबर a लाइन लिख दिया हमने, ठीक है, x बराबर a। अब ये a कुछ भी हो सकता है, a क्या है, कॉन्स्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ए की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। तो मान लो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक्स बराबर 4 लाइन, एक्स बराबर 4 लाइन, इसका मतलब क्या है, देखो एक्स बराबर 4 लाइन का मतलब है कि ये यहाँ कहीं है, ये एक्स बराबर 4 है, 4, 0 पॉइंट है, और ये लाइन किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो ये चार है, एकदम ध्यान से रखिए, एक्स एक्सिस की इक्वेशन हो गई, वाई एक्सिस की इक्वेशन हो गई, a line parallel to x axis, a line parallel to y axis, है ना, ये बात हमको आनी चाहिए एकदम से, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, टू पॉइंट फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ये सब अब बात करने जा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो फॉर्म है लाइन का वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसमें ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरसेप्ट, ठीक है, पहला फॉर्म है लाइन के इक्वेशन का, ठीक है। तो पहले इंटरसेप्ट समझो, मान लो कोई लाइन है हमारे पास जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, मान लो ये पॉइंट है ए कॉमा जीरो और ये पॉइंट है जीरो कॉमा बी, कोई लाइन ऐसी हो जो एक्स एक्सिस को ए कॉमा जीरो पर कट कर रही हो, वाई एक्सिस को जीरो कॉमा बी पर कट कर रही हो, कट कर रही हो, याद रखना ये देखो, ठीक है। तो इस पॉइंट पर कट कर रही, तो ये जो डिस्टेंस ए है इसको हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, क्या कहते हैं, एक्स इंटरसेप्ट, और ये जो डिस्टेंस बी है इसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, वाई
इंटरसेप्ट, ठीक है, ये क्या है एक्स इंटरसेप्ट, ये क्या है वाई इंटरसेप्ट। तो हमें क्या पता हो, स्लोप पता हो लाइन की और वाई इंटरसेप्ट पता हो, क्या पता हो स्लोप पता हो। मान लो स्लोप लाइन की क्या है एम है, ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट क्या है सी है, वाई इंटरसेप्ट क्या है सी है मान लो, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। एक एग्जांपल देते हैं जरा, y इज इक्वल्स टू 2x+3, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, जहां पर m कितना है 2 है, c कितना है 3 है। तो c मतलब क्या है y इंटरसेप्ट कितना है 3 है और स्लोप कितनी है 2 है। बात समझ पा रहे हैं ना कि एक ऐसी लाइन जिसकी स्लोप क्या है 2 है, tan थीटा बराबर 2 है, और क्या है जो C है y इंटरसेप्ट है। तो देखो ऐसे बनेगी ये लाइन, कुछ देखना, देखो यहां पे जो भी एंगल थीटा है इससे कोई दिक्कत नहीं, ये जो C इंटरसेप्ट है ये कितना है 3, ये पॉइंट मान लो कहीं है 0,3। बात समझ में आई। तो ये जो देखो 3 इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट कितनी लाइन कट कर रही है 3। बात समझ में आ गई। और जो थीटा एंगल है यहां पर थीटा होगा कुछ, tan थीटा बराबर कितना होगा 2 होगा। बात समझ गए आप लोग। तो जो भी इस फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप मतलब लाइन की स्लोप गिवेन हो, इंटरसेप्ट गिवेन हो, सी इंटरसेप्ट जो भी गिवेन। बात समझ में आई। तो इस तरीके से पहले लाइन की फॉर्म हो गई। एनसीईआरटी उठा लेंगे तो आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, जहां पे लाइन की इक्वेशन दे देगा, पूछेगा स्लोप ऑफ द लाइन क्या है। तो अब इस फॉर्म में कभी लाइन की इक्वेशन मिल जाए तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है स्लोप कितनी है 2 है, वाई इंटरसेप्ट कितना है 3। समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से हम पहला फॉर्म ऑफ लाइन देख लिया। अब दूसरा फॉर्म क्या है जरा देखते हैं यहीं पर। दूसरा अब है, दूसरा फॉर्म ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब हमें एक पॉइंट गिवेन हो जिससे लाइन पास कर रही हो। देखो एक लाइन है, मान लो ये पॉइंट x1, y1 से ये लाइन क्या कर रही है पास कर रही है, और इस लाइन की जो स्लोप है वो क्या है m है। मान लेते हैं कि ये लाइन x1, y1 से पास कर रही है और इसकी स्लोप क्या है m है, ठीक है। इस तरह की से अगर कभी गिवन हो तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी y-y1 इज इक्वल्स टू एम x-x1, y-y1 इज इक्वल्स टू एम x-x1। मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल है कि एक कोई पॉइंट है 2,3 जिससे लाइन पास कर रही है और लाइन की जो स्लोप है m बराबर √3, स्लोप कितनी है √3 है और ये लाइन 2,3 से पास कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन जो हो जाएगी y-y1 लिखा है तो y-3 इज इक्वल्स टू √3x-2, है ना। तो ये क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू √3x-2√3+3, ठीक है। तो ये देखो अब ये सेम वैसे आ गई जैसे पहले इक्वेशन हमने लिखे थे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में आ गई ये लाइन की। तो सारे फॉर्म की लाइन की इक्वेशन सेम ही आती, कुछ अलग नहीं आती। जो जनरल फॉर्म बताया है ax+by+c=0, वही लाइन की जनरल इक्वेशन है। बाकी जितनी भी इक्वेशन हैं ये अलग अलग टाइप से हैं, अगर ये गिवन रहेगा तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अगर कभी ऐसे गिवन है आपको, इस तरीके से इक्वेशन गिवन है, तब भी आप बता सकते हैं कि इसकी स्लोप क्या है √3 है और ये किस पॉइंट से पास कर रही है 2,3 पॉइंट से पास कर रही है। ये दूसरा फॉर्म ऑफ लाइन हो गया, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं जरा इसी के बाद। अब देखते हैं तीसरा क्या है, टू पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या। देखो अभी तक हमारे पास क्या गिवन था, स्लोप गिवन थी, एक पॉइंट गिवन था तो हम इक्वेशन लिख दे रहे थे। अब स्लोप भी ना गिवन, सिर्फ दो पॉइंट गिवन हो, मान लो एक लाइन है कोई दो पॉइंट से पास कर रही x1 और y1
और एक्स टू और वाई टू पॉइंट से पास कर रही है लाइन, ठीक है। हमें इस पॉइंट, इस लाइन की क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। अब देखो, अभी मैंने क्या बताया था, इससे पहले ही बताया है कि अगर लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है तो इसकी स्लोप कितनी होगी। यही होगी, स्लोप क्या होगी, y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये लाइन की स्लोप हो गई। अब हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है, कोई भी एक पॉइंट उठा लो इसमें से, कोई भी एक पॉइंट उठा लो। तो इसकी इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। और ये क्या है, स्लोप है, तो देखो इसको y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, क्योंकि m क्या है, यही तो है, ये निकाला गया है। तो अगर दो पॉइंट सिर्फ गिवन हो जिससे लाइन पास कर रही हो तो भी इक्वेशन ऐसे ही लिखते हैं, बस m हम खुद से निकाल लेते हैं, m हमने ये निकाल लिया। मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने कि इफ अ लाइन पासेस थ्रू 1,2 एंड माइनस 1,3 देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो, अगर एक लाइन पास कर रही है 1,2 से और माइनस 1,3 से, तो हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, इसी में रख देंगे, जरा कोई भी एक पॉइंट उठा लो। हम कह रहे हैं यही है हमारा क्या, एक्स वन वाई वन और ये क्या है हमारा एक्स टू वाई टू, ठीक है, यही है। तो अब देखो जरा, वाई माइनस वाई वन, वाई वन कितना है 2, इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन मतलब 3 माइनस 2 अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। देखो एकदम आसानी से हमने लिख दिया, वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 एक्स माइनस, ये हो गई लाइन की इक्वेशन। बात समझ में आ गई। तो दो पॉइंट अगर गिवन है तब भी हम लाइन की इक्वेशन बहुत आसानी से लिख सकते हैं, समझ में आ गई बात, हाँ इसको नोट कर लो। अब देखते हैं चौथा फॉर्म क्या होगा लाइन का। चलिए तो अब चौथा फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ये क्या है, अभी इंटरसेप्ट बताया ना क्या होता है। तो मान लो कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट कट कर रही है, वाई एक्सिस पर कितना बी इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो इक्वेशन होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये किस में है, इंटरसेप्ट फॉर्म में है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए अ लाइन कट्स अ इंटरसेप्ट ऑफ 2 ऑन वाई एक्सिस एंड 3 ऑन एक्स एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, लाइन की इक्वेशन क्या होगी। देखो एक्स एक्स वाई एक्सिस पर 2 इंटरसेप्ट कट करता है, एक्स एक्सिस पर 3 इंटरसेप्ट कट करता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, बहुत आसानी से लिख सकते हैं एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। देखो इसको जरा थोड़ा सॉल्व करेंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, है ना। इसको और आसानी सॉल्व करोगे 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो जो स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो यही जनरल इक्वेशन आ रही है ना, कोई भी इक्वेशन उठाओगे तो जनरल इक्वेशन पे ही पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, कई बार इस पे क्वेश्चन आया और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो ज़्यादा घबराना नहीं है, बस इंटरसेप्ट हमको पता होना चाहिए, ठीक है। मान लो कई बार कह देता है, अभी कराएंगे इस पे क्वेश्चन आएगा इंटरसेप्ट फॉर्म पे, कई सारे क्वेश्चन हम कराएंगे, तो कई बार ये दे देता है लाइन, जैसे ये लाइन गिवन है, अब मान लो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक लाइन है 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब इस लाइन को हमको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना, तो क्या करना, इंटरसेप्ट फॉर्म में देख रहे हो RHS में क्या है 1 है, यहाँ पर भी हमको 1 बनाना पड़ेगा, तो 1 बनाने के लिए पूरे को 12 से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा 2x
प्लस 4y अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1, सही बात है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल गया ना, इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल गया। तो इस लाइन को हम कभी भी इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल सकते हैं और इंटरसेप्ट फॉर्म को हम नॉर्मल वो जनरल फॉर्म में भी बदल सकते हैं। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। कभी कभी ए बी की वैल्यू भी पूछ लेगा। मान लो ये लाइन 1, 2 से पास कर रही है और सम ऑफ इंटरसेप्ट गिवन है 3, तो ए बी की वैल्यू निकालो। इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं एनडीए में, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन कराएंगे अभी हम, ठीक है। तब तक इंटरसेप्ट फॉर्म आप नोट कर लीजिए, दो फॉर्म और बचे हैं उनको भी पढ़ा देते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो पांचवा टाइप क्या है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। नॉर्मल फॉर्म क्या है, मान लो कोई लाइन है, ध्यान देना, ठीक है, और ओरिजिन से, ध्यान देना ये क्या है, ओरिजिन है ओ, ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, पी है, और ये जो परपेंडिकुलर ओरिजिन से इस लाइन पर गया है, अगर ये एंगल अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस पर, तो इस लाइन एल की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है और बच्चे फंस जाते हैं, तो एकदम ध्यान से समझना है क्या गिवन हो हमारे पास, ठीक है। ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर गिवन, ये लाइन है एल, ओरिजिन मतलब 0, 0 से इस पॉइंट से इस लाइन पर देखो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इसकी डिस्टेंस मान लो पी है। डिस्टेंस क्या है इसकी, पी है, और ये जो परपेंडिकुलर है मान लो ओ एम, तो ओ एम जो है अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है, तो हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन लिखते हैं एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी। बात समझ में आई। अब यहां से अभी बता देंगे आपको कॉस अल्फा साइन अल्फा और पी, जैसे मान लो अगर जनरल फॉर्म गिवन हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, है ना, तो यहां से हम अगर कॉस अल्फा निकालना चाहें तो ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है, साइन अल्फा जो होता है बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और यहां से पी निकालना चाहे तो सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है नॉर्मल फॉर्म के लिए। ये जनरल इक्वेशन है, अगर इस जनरल इक्वेशन से आप बदलना चाहते हैं इसको नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है, तो यही सी में से कॉस अल्फा की जो वैल्यू होती है ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस के साथ दो वैल्यू आएगी हमेशा, ठीक है, और p तो डिस्टेंस है तो उसकी कोई बात ही नहीं। तो cos अल्फा प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फा b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और p क्या होता है c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन पढ़ा रहे थे तो हमने बता दिया कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, अगर जनरल इक्वेशन गिवन हो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो इस जनरल इक्वेशन से हम cos अल्फा sin अल्फा p ऐसे निकाल सकते हैं और हम पुट कर देंगे तो हमारी नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन आ जाएगी, या फिर नॉर्मल फॉर्म में से हमको बदलना हो इसको इस फॉर्म में तब भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चेंज करने का तरीका है, इसको आप बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम करा देते हैं इस पे, जरा देखिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन इज 5 यूनिट, मान लो कि ओरिजिन से किसी लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना है 5 यूनिट, ठीक है, और कह रहा है एंड परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाई 3 विद द एक्स एक्सिस, मतलब ये जो एंगल बना रहा है ये कितना बना रहा है पाई बाई 3 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, है ना, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगी, तो इसी से नॉर्मल फॉर्म से लिख देंगे एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी, है ना। देखो पी कितना गिवन है, 5 गिवन है, कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा गिवन है पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस पाई बाई 3 प्लस वाई साइन पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। पाई बाई 3 की वैल्यू कॉस पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 की वैल्यू रख दीजिए बस, तो जनरल फॉर्म में आपकी इक्वेशन आ जाएगी बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल फॉर्म, एक फॉर्म और बचता है, हम उसको भी करा देते हैं। अब देखिए एक है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक, ये किसी पॉइंट x, y से पास कर रही है, किस पॉइंट से, x, y से पास कर रही है,
ठीक है। अब देखिए ध्यान से, और एक्स एक्सिस के साथ अल्फा या थीटा डिग्री, थीटा एंगल बना रहा है, ये एक्स एक्सिस है मान लीजिए हमारी, ठीक है। यहाँ कहीं वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गई, ये क्या है एक्स एक्सिस है। एक लाइन है जो कि क्या कर रही है, एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री का एंगल बना रहे, क्लियर है बात। चलो इस पर अगर कोई एक और पॉइंट ले लिया जाए एक्स वन कॉमा वाई, ठीक है, और ये ले लिया जाए कि ये जो डिस्टेंस है रेडियल डिस्टेंस है आर, ये दोनों पॉइंट्स की, ठीक है। मान लो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है आर है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर हमें लिखना होगा तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन होती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। ये होती है पैरामेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन। यहां से जरा देखो, यहां से कोई भी दो लो, मान लो ये ले लेते हैं एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर, तो यहां से एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा। इसी तरीके से ये दोनों लोगे जब, तो यहां से आ जाएगा वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर, तो यहां से वाई बराबर क्या आ जाएगा वाई वन प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। आर वन प्लस वाई वन प्लस आर साइन थीटा, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू। तो हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं एक्स बराबर, देखो ऐसे लिख देंगे एक्स बराबर टू प्लस थ्री कॉस थीटा, वाई बराबर, वाई बराबर क्या लिख देंगे थ्री प्लस थ्री कॉस साइन थीटा, ठीक है। मान लो ये लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है एक्स वन कॉमा वाई वन जो है ये कितना है टू कॉमा थ्री है, आर जो है वो कितना है थ्री है। बात समझ में आ गई, आर कितना है थ्री है, देखो यहाँ से आर बराबर थ्री, आर बराबर थ्री है ना, और एक्स वन कॉमा वाई वन कितना है टू कॉमा थ्री। तो ये भी इस तरीके से भी कभी कभी लाइन की इक्वेशन गिवन होती है, एक्स बराबर दिस दे देगा वाई बराबर दिस दे देगा, तो यहाँ से भी लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन। तो ये हो गए सारे फॉर्म ऑफ द लाइन, जितने भी लाइन के फॉर्म हो सकते हैं उस सब पढ़ा दिए मैंने। अभी बेसिकली इसमें करना क्या है, आपको आज जाके क्या करना होगा, इसमें से जो भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में या जो भी आप प्रेफरेंस बुक यूज करते हैं उस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। सबसे बेसिक चीज यही होनी चाहिए, किसी भी एनडीए एस्पिरेंट के लिए सबसे बेसिक चीज यही होती है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब आप उस पर क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, आपको स्लोप पता है, इंटरसेप्ट फॉर्म पता है, आप क्वेश्चन उसके ट्राई कर रहे हैं और एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है ये सब पता है, तो आप उसके क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं और आपको आ रहे हैं, तो आप पहला स्टेप तो पार हो गए, ठीक है। इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ये सारे फॉर्म ऑफ द लाइन आप रिवाइज करिए, सारा समराइज कर दिया मैंने आपके लिए, एक बार इसको आप पढ़िए, ध्यान दीजिए और इसके पे क्वेश्चन सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच।